अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पैनल की कीमतों में कमी से जो पर वाट के हिसाब से तो कमी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 7 किलोवाट के सोलर सिस्टम में भी बहुत बड़ी जो है कमी देखने को मिल रही है। तो ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं और अगर आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या 7 किलोवाट का सोलर सिस्टम देखते हैं तो उसमें कितनी कमी हुई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 3-4 दिन हो गए हैं रेट्स आपके साथ अपडेट नहीं किए थे, लेकिन दोस्तों आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसका हल हमने आप दोस्तों के लिए निकाला हुआ है कि जब चाहें आप अपने मोबाइल पर सोलर पैनल्स के रेट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। आपने सिंपली करना ये है कि अपने मोबाइल पर गूगल को ओपन करना है। गूगल पर ये जो हमारी वेबसाइट है jbms360.com, इसको लिखे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, उधर से आप तमाम सोलर पैनल्स के रेट्स चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई सोलर पैनल्स के पर वाट के हिसाब से रेट्स थोड़े से आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले मैं लॉन्जी, इसके बाद कैनेडियन, जिंको, JA, ट्रीना, इस तरह के टॉप के ब्रांड्स पाकिस्तान में इस वक्त वर्क कर रहे हैं, उनके सिंगल ग्लास की अगर आप प्राइस देखें तो 28 से 29 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल है। सिंगल ग्लास में अगर आप 545 वाट का पैनल लेते हैं तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन रेट्स के हिसाब से आपको 15,000 से 16,000 रुपये की रेंज में ईजिली कैनेडियन का, जिंको का, JA का अवेलेबल है। इसी तरह जब आप बात करते हैं कैनेडियन में टॉपकॉन की, जिंको में एन टाइप की, लॉन्जी हाइमो 7 की, और इसी तरह जो दूसरे आपके ट्रीना में एन टाइप की बात करें तो भाई उसका जो रेट है 30 से 31 रुपए आपको मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सोलर पैनल खरीद रहे होते हैं, भाई सोलर पैनल पर वाट के हिसाब से जब आप खरीदते हैं अगर आपने लूज में लेना है तो आपको 1 से 2 रुपए रेट जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर आपने पैलेट या कंटेनर के हिसाब से बुकिंग करनी है या लेना है तो आपको रेट्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आप पैलेट के हिसाब से या कंटेनर के हिसाब से देखते हैं तो सिंगल ग्लास में मजीद 1 से 2 रुपए आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसी तरह जो आपके डबल ग्लास है या एन टाइप है उनमें भी आपको 1 से 2 रुपए मजीद कमी देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में जो रेट्स हैं वो तकरीबन यही सेम रेट चल रहे हैं। इस्लामाबाद, पिंडी वाली साइड पर या कोयटा वाली साइड पर आपको थोड़ा सा जो रेट्स हैं वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा बाकी तमाम जगहों पर जो रेट्स हैं वो तकरीबन यही चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखते हैं कैनेडियन टॉपकॉन में और इसके अलावा जिंको एन टाइप में, ट्रीना एन टाइप में या दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनमें एन टाइप में आपका जो डबल ग्लास पैनल है 580 वाट का वो तकरीबन आपको 17.5 से 18,000 रुपये की रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। 17,000 रुपये तक भी कुछ जैसे JA हो गया, इस तरह के ब्रांड जो है आपको मार्केट में एक पैनल जो है उसका अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप देखें 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो अगर आप देखें तो 1,00,000 रुपए तक उसमें आपको बचत हो रही है अगर आप 6-7-8 महीने तक के पहले के रेट्स देखें और अब के रेट्स देखें। इसी तरह अगर आप 5 किलोवाट 7 किलोवाट में 1.5 से 2 लाख रुपए तक आपको जो है ओवरऑल बचत जो है वो देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि भाई आने वाले दिनों में क्या चांसेस हैं। तो भाई आने वाले दिनों में भी अच्छी न्यूज़ है कि भाई रेट्स बढ़ने के तो बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद जो है कमी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। कोई ड्रामेटिक कमी नहीं हो सकती जैसा कुछ दोस्त वीडियोज़ बना रहे हैं 16 रुपये 18 रुपये अभी तक इस तरह के चांसेस नहीं है, लेकिन मजीद कमी के चांसेस हैं जो कि अच्छी बात है। जितनी कमी होती है या जो भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले JBMS पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें। वेबसाइट आपके पास है, जब चाहे आप रेट्स चेक कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो उधर ही हम कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई कर दें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।